नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सहपुरा रोड पर बस पलटने से दर्जनों लोग घायल हुए, जिनका उपचार जारी है। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं घायलों का हालचाल जानने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कांवरे, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री ज्ञानवती जी एवं जनप्रतिनिधियों सहित जिला कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा जिला अस्पताल पहुंचे एवं घायलों का बेहतर उपचार करने के लिए प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। वही यात्री बस पलटने की यह घटना जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर निगहरी ग्राम के पास हुई, जिसमें लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलासपुर छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाली पुष्पराज बस क्रमांक CG10AS4483 अनियंत्रित होकर पलट गई थी। जहां बस में करीब 40 से 45 व्यक्ति सवार थे, वहीं जिला अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग टीम के द्वारा घायलों का उपचार किया गया, जहां घायलों की हालत अब बेहतर हो रही है। रिपोर्टर शंकर सिंह उमरिया। ये जो बस पलटी है, ये CG10AS4483 ये लखनऊ से बिलासपुर चलती है और इसके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, तो सवारी बिठाने की इजाज़त नहीं है। इस बस के सुबह 4:30 बजे करीब पलटने की खबर मिली थी निगहरी के पास, और ये मालूम पड़ा था कि कुछ लोगों को फ्रैक्चर है, बाकी सबको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। करीब 6 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी भी स्थिति गंभीर नहीं। सुबह करीब 3:30 से 4 के बीच में ये निगहरी रोड पे सहपुरा पे मार्ग पर हुई है। इसमें करीब 20 लोग आए थे, जिसमें 4 साल की बच्ची भी रही और बाकी 2-3 लोगों के कंधे उतरे थे, तो शोल्डर हमने उन्होंने बिठा दिए, डिसलोकेट थे जो, वो अभी ठीक हैं। और एक पटेल जी हैं, हल्दर पटेल जी, उनके पाँव में फ्रैक्चर है, तो अभी वो यहाँ पर भर्ती हैं। उसके बाद वो जाना चाहेंगे अगर बिलासपुर, तो वहाँ रेफर करेंगे। हल्दर प्रसाद पटेल, एक जीवन लाल जी पटेल हैं, ये सब स्थिर हैं हालत अभी सभी, और उपचार इलाहाबाद से हम लोग बिलासपुर जा रहे थे। ट्रेन हो गया सर, रोड पे हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 15-20 लोग मतलब यहाँ घायल थे, मतलब एक जने का फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा था, वो सब ठीक हो गए, और एक बच्ची भी है उसमें 4 साल की। जो बसें चल रही हैं वे अनफिट हैं, उनकी जांच नहीं की जाती, ओवरलोड चल रही है और इसी कारण ये दुर्घटना हुई है। हमारी जिला प्रशासन से, सरकार से मांग है कि कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उनसे सीख ले और एक अभियान छेड़कर जो ये अनफिट बसें चल रही हैं, जो ओवरलोड की समस्या है, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। घायल है जिनको चोट पहुंची, उनको उचित मुआवजा। की ग्राम निगहरी के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें करीब 30-35 यात्री थे, जिसमें से करीब 15-20 यात्रियों को काफी चोटें आई थी। 2-3 लोग अभी उमरिया अस्पताल में एडमिट भी हैं और बाकी सब लोग सुरक्षित दूसरी बस से भेजे जा चुके हैं। सभी से निवेदन करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें, जिससे कि हमारे परिवार बस यही गुजारिश करते हैं कि फॉरेस्ट वाले कम से कम ऐसा काम करें ताकि आए दिन जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं न हो पाए, क्योंकि जिनके घर में जान जाती है उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। जब वो दुनिया से जाते हैं, किसी का बाप, किसी का मामा, किसी का दादा, किसी का कुछ इस तरीके से जब जान जाती है तो लोगों के साथ होता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि फॉरेस्ट वाले से कि इस विषय में थोड़ा सा गंभीरता से सोचे। पता चला कि कल लखनऊ से छत्तीसगढ़ जाने वाली एक बस पलट गई हमारे ही क्षेत्र में, यहीं पे उमरिया में। तो पता चला मुझे कि एडमिट है, तो मैंने कहा कि उनका जाके देखूं, उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी तो नहीं है, अगर उनको सारा ट्रीटमेंट मिला कि नहीं। मैंने हाँ, आप लोगों की उपस्थिति में देखा, वो बिल्कुल संतुष्ट है। मैंने पूछा कि हमारे डॉक्टर साहब या हमारे यहाँ के लोगों ने आपका मदद किया, उन्होंने कहा कि सब कुछ सब लोगों ने मदद किया जाने की। निगहरी के पास लखनऊ से कवर्धा जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें चोटिल लोग उमरिया जिला चिकित्सालय में भर्ती किए गए हैं, जिनको देखने के लिए मैं उमरिया जिला चिकित्सालय आया। कोई गंभीर कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लगभग 16-17 लोग दुर्घटना से आहत हुए, जिनका प्राथमिक उपचार उमरिया जिला चिकित्सालय में कराया गया। साथ ही हमारे पुलिस के जवान और चिकित्सालय के लोग
मिलकर उनका इलाज करके उनको वापस घर भेजने के लिए एक दूसरी बस बुलाकर उसमें शिफ्ट कराकर हम उन्हें उनके गंतव्य की ओर रवाना किए। इस पर उनको जल्दी ठीक करें ऐसा विश्वास करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने संवेदनापूर्ण तरीके से सभी दूरस्थ यात्रियों का लगभग 3:30 बजे के लगभग में प्रयागराज इलाहाबाद से छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए एक बस जा रही थी जिसमें लगभग 40-45 लोग सवार थे। थाना कोतवाली उमरिया अंतर्गत ग्राम निघरी के आगे में मनु ढाबा के पास में चालक की लापरवाही से टर्निंग पे ही बस को पलटा दिया गया जिसमें से लगभग 20-25 लोग घायल हुए थे जिनको पुलिस की मदद से जो घायलों को बस के अंदर से निकाला गया है और सब जिला अस्पताल उमरिया में ला करके भर्ती कराया गया है और अच्छे से अच्छे उसको उपचार दिया जा रहा है और जो घायल नहीं थे जो ठीक ठाक उनके लिए व्यवस्था साधा वाहन की व्यवस्था करके उनको भी गंतव्य स्थान पर रवाना कर दिया गया है। महोदय द्वारा घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके से जिला अस्पताल पहुँच करके घायलों की हालचाल जाने और बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों से भी चर्चा करके उनको अच्छे से इलाज करवाया गया। अभी जिलेवासियों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो यातायात की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है तो इसके लिए यातायात के नियमों का पालन करें और वाहन को एक लिमिट गति पे ही चलाएं जिससे कि ये एक्सीडेंट की जो घटनाएं हो रही है इसमें कमी लाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए GTV न्यूज़ चैनल के साथ।